निर्माणाधीन मकान पर जय भीम का झंडा लहरा रहा है और कुछ लोग दीवारों को तोड़ रहे हैं। तस्वीरें देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि किसी दलित के आशियाने को जमींदोज किया जा रहा है। जी हां, आपका अंदाजा सही है, ये दलितों के ही घर हैं। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के वजीराबाद इलाके की हैं। दिल्ली सरकार के बाढ़ और सिंचाई विभाग की ओर से दलित बस्ती में मकानों को जबरन तोड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल सरकार कह रही है कि यहाँ रहने वाले दलितों का इस जमीन पर कोई हक नहीं है। नमस्कार साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। हम दिल्ली वजीराबाद गांव शिव मंदिर के पास खड़े हैं। यहाँ अम्बेडकर बस्ती है। यहाँ पर इंदिरा गांधी 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत 120 गज के प्लॉट दिए गए थे दलित समाज को, जाट समाज को, वाल्मीकि समाज को और कश्यप समाज को। और इस ज़मीन पर काफ़ी टाइम से दिल्ली सरकार का विवाद चल रहा है और इसमें फ्लड डिपार्टमेंट आके रोज इसमें तोड़फोड़ करता है। और ये देख सकते हो आप किस तरीके से। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें यहां रहते हुए 50 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इंदिरा गांधी सरकार ने 1970 के दशक में वजीराबाद गांव में दलितों को 120 गज के प्लॉट आवंटित किए थे। सबूत के तौर पर स्थानीय लोग एक पर्ची दिखाते हुए बताते हैं कि जब प्लॉट मिला था उस वक्त प्रशासन की ओर से ये पर्ची उन्हें बतौर रसीद मिली थी। तो आप इधर आ जाओ ना, इधर ही बुला लो इनको, अंबेडकर पार्क के लोग हमारा साथ देगा। लेकिन दिल्ली सरकार इस आवंटन को नहीं मानती और सरकारी जमीन पर कब्जे की बात कह हर दूसरे तीसरे दिन केजरीवाल सरकार के नुमाइंदे अपना बुलडोजर लेकर दलितों के घरोंदों को मिट्टी में मिलाने चले आते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर भी भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि ये पूरा मामला दिल्ली की 30,000 कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ मकानों में तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मामला कोर्ट में है तो दिल्ली सरकार का बाढ़ एवं सिंचाई विभाग ये कार्रवाई क्यों कर रहा है। सवाल तो ये भी उठता है कि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल चुनाव में कच्ची बस्तियों को भी पक्का करने का वादा करते हैं और दूसरी तरफ दलित बस्ती में सालों से रह रहे दलित परिवारों को बेघर किया जा रहा है। कोरोना काल में तरह तरह की मुसीबत झेल रहे दलित परिवारों को अब ये डर सता रहा है कि जल्दी ही ठंड का मौसम आने वाला है और ऐसे में कहीं केजरीवाल सरकार उनके बच्चों के सिरों से छत ना छीन ले। दिल्ली से अविश कुमार और विकास केमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज बीक। दोस्तों, द न्यूज बीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं